So, क्या तुम्हें पता है कि Beyblade Burst Rise / GT की मांगा में गुएन ने आर्मिन के बुशिन अशुरा को डिस्ट्रॉय कर दिया था? मतलब जब डांटे सोच ही रहा होता है कि उसे ड्रैगन को किस तरीके से इवॉल्व करना चाहिए, तभी वहां पर गुएन आता है एंड वो डांटे के ब्लूप्रिंट्स देखते हुए कहता है कि तुम इनसे अपोकलिप्स को नहीं हरा पाओगे। एंड देन वो अपना बेब्लेड दिखाते हुए कहता है तुम्हें कुछ ऐसा बनाना होगा, लेकिन तभी आर्मिन उसे बैटल के लिए चैलेंज कर देता है एंड गुएन कहता भी है कि मेरे जेनेसिस के अटैक्स तुम्हारा बुशिन अशुरा नहीं झेल पाएगा एंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट फिर भी आर्मिन नहीं मानता है तो इसलिए बैटल शुरू होता है। एंड सब कुछ गुएन की कैलकुलेशन के हिसाब से ही होता है, क्योंकि उसके रिकालिया जेनेसिस के एक ही हिट से बुशिन अशुरा के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट फिर बाद में वो बुशिन अशुरा को रिपेयर भी कर देता है, लेकिन वो एज ड्रैगन को रिपेयर नहीं करता है, क्योंकि वो डांटे का खुद का बनाया हुआ सबसे बेस्ट ड्रैगन बेब्लेड देखना चाहता था। एंड फिर गुएन के रिकालिया जेनेसिस से ही डांटे को अपने इंपीरियल ड्रैगन को बनाने का आइडिया आता है।